नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल सीमा, आपको पता है ना, चार बच्चों की जो माँ है वो सचिन के पास आई है, शादी यहाँ पे कर ली है भारत में, पाकिस्तान से आई है। तो अब उसको बुलाने के लिए पाकिस्तान से डाकुओं ने वीडियो बनाया है और डाकू बकायदा बुला रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं ये तो बताएंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या संबंध है डाकुओं का सीमा से, क्योंकि डाकू डाकू होते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो पाकिस्तानी बलोच डाकुओं का है, मुंह पूरा कवर किया है, आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फिर यूट्यूब मेरे को लात मार के बाहर निकाल देगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगा वीडियो। दरअसल बात यह है कि इसमें वो भारत को धमकी देते दिख रहे हैं कि जो लड़की गई है उसको बहला फुसला कर जो लाया गया है भारत में उसको वापस भेज दो, वरना वरना जो हिंदुओं को, हिंदुओं के जो जो भी मंदिर होंगे या फिर कुछ भी होगा वहां पे ये लोग हमला करेंगे, यानी हिंदुओं को चोट पहुंचाएंगे ये लोग अगर भारत से सीमा को, सीमा हैदर को नहीं भेजा गया तो। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान के बलोच जो डकैत हैं वो ओपनली पाकिस्तान में बोल रहे हैं, यानी कि ये आम बात है कि वहाँ के हिंदुओं के साथ में हो जाता है। और आप वीडियो भी देखे होंगे जिसमें कभी मंदिर तोड़ दिया जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कनेक्शन बताते हैं सीमा और वहाँ के डाकुओं में। दरअसल सीमा बताती हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल भी मेरे पास आया है कि वहाँ पे एक कानून है, वो बलोचों का ही कानून है, पाकिस्तान का ऑफिशियल कानून नहीं है, लेकिन वो बलोच का ही कानून है और उसका नाम बताया गया है कि काला काली कानून। ठीक है ना, काला काली कानून। ये संवैधानिक नहीं है लेकिन इसको फॉलो किया जाता है वहां के बलोचों में, ठीक है ना, जो जिधर के डाकू हैं। इसमें दरअसल क्या होता है कि जो प्रेमी जोड़े होते हैं वहां पे प्रेम अलाउड नहीं है, साफ सीधी यही काला काली कानून है कि जो भी ऐसा करता है, मतलब जो प्रेम भी कर लेता है, मार दिया जाता है। यही है काला काली कानून, जैसा कि मुझे अभी पता चला है इसके अनुसार, ठीक है। और ये बात सीमा हैदर ने यहाँ पर बोली हुई है कि ये कानून के बारे में, जो भी सूत्र बता रहे हैं, जो भी मेरे पास जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार सीमा ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कानून है और ऐसा ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का जो काला काली कानून है ये तो है ही है, ठीक है, और है नहीं है उसका क्या कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है, सीमा जब पाकिस्तान से यहाँ पे आई है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी मुस्लिम से हिंदू बन गई है, आप समझ सकते हो। ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि कुछ तकरीबन 60% से ज्यादा ऐसा होगा जो कि मुझे लगता है कि कट्टरता है वहां पे। और एक ही वो वाला आपने सुना होगा ना कि एक ही सजा सरतन से जुदा, ये वाला हाल हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसे घटना देखे गए हैं पाकिस्तान में, आम बात है, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा अपना धर्म ही चेंज यहाँ पे आके कर ली हैं, अगर यहाँ से वहाँ जाती हैं, ठीक है, तो फिर इनके साथ बहुत कुछ बुरा होने के चांसेस हैं, और ये मैं कंफर्म तरीके से कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे घटना आ चुका है, ठीक है। धर्म बदलने को ना लेकर के, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पे मार दो, जब भी इस्लाम की बात आए, सही हो गलत हो वो बाद में सोचा जाता है, पहले मार दो, ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है। और अगर ये जाती हैं तो इनके साथ भी ऐसा होगा, ये मैं कह रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ना ही जाए तो ही बेहतर है। यहाँ पे कुछ कोर्ट डिसाइड करे, देख ले, एक महिला है जो कि आई हुई है, उससे कोई भारत को खतरा है नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर, उसके बाद कोई डिसीजन अच्छा ही ले कोर्ट, तो ही मैं थोड़ा सा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग अपना राय बताइए, और डकैतों के बारे में भी कुछ कह दीजिए, पाकिस्तान में टेररिस्टों के बारे में भी कुछ कह दीजिए, क्योंकि है तो ये तो मानना है और ये अभी भी दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अंकित न्यूज के साथ। नमस्कार।